नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कौशल चौधरी नर्सिंग अरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंडोक्राइन सिस्टम की रेगुलर क्लासेज चल रही है। लास्ट क्लास के अंदर थायरॉइड ग्लैंड का डिसऑर्डर अपन पढ़ रहे हैं। डिसऑर्डर के अंदर हाइपर थायरॉइडिज्म के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। हाइपर थायरॉइडिज्म को थायरोटॉक्सिकोसिस बोला था। आज की क्लास में एक थायरॉइड ग्लैंड का ही डिसऑर्डर है, हाइपोथायरॉइडिज्म, और हाइपोथायरॉइडिज्म को दूसरो ऑल्सो नॉन एज मिक्सरडीमा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि मिक्सरडीमा क्या है। मिक्सरडीमा इज बेसिकली हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म के बारे में आज बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्या है। तो हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है, हाइपोकॉमीज क्या है, कमी। तो हाइपोथायरॉइडिज्म इज ऑल्सो नॉन एज हाइपोथायरॉइडिज्म क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉइड हार्मोन कौन कौन से है, T3 एंड T4, ट्राई आयोडो थायरोनिन और टेट्रा आयोडो थायरोनिन, दोनों हार्मोन की जो कमी है। तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉइडिज्म। तो इन दोनों हार्मोन की कमी क्या कहलाती है, हाइपोथायरॉइडिज्म। और हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से जो आपकी BMR रेट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज BMR रेट, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो हाइपोथायरॉइडिज्म थायरॉइड हार्मोन की कमी की वजह से BMR भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और BMR का कम होना ये भी क्या है, हाइपोथायरॉइडिज्म। अब बात करते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म है, कई बार कंजेनाइटल भी कोज होता है। बच्चों के अंदर थायरॉइड ग्लैंड है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती, या थायरॉइड ग्लैंड के अंदर कोई एट्रोफी हो जाए। तो हाइपोथायरॉइडिज्म इन चाइल्डहुड, हाइपोथायरॉइडिज्म इन चाइल्डहुड, हाइपोथायरॉइडिज्म इन चाइल्डहुड ड्यू टू कंजेनाइटल का मतलब होता है बाय बर्थ, कंजेनाइटल का मतलब है ऐसा डिसऑर्डर जो कि जन्म के साथ ही बच्चे के अंदर, ड्यू टू कंजेनाइटल एब्सेंस और एट्रोफी ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड का या तो जन्म से ही एब्सेंट होना या उसके अंदर एट्रोपी कोज होना, और एट्रोपी की वजह से जो इसके अंदर बच्चों के अंदर जो बीमारी कोज होती है उस बीमारी को बोला जाता है क्रिएटिनिज्म। तो ये एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रिएटिनिज्म क्या है। तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर थायरॉइड ग्लैंड या तो एट्रोपी देखने को मिल रही है या थायरॉइड ग्लैंड क्या है, एब्सेंस, और इसको क्रिएटिनिज्म को बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म। तो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म बोलो या क्रिएटिनिज्म बोलो, दोनों की बात एक ही है। क्रिएटिनिज्म क्या है, कंजेनाइटली या तो ग्लैंड का एब्सेंस या ग्लैंड, दो थायरॉइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है तो थायरॉइड ग्लैंड के अंदर एट्रोपी होना क्या कहलाता है, क्रिएटिनिज्म। और इसकी वजह से, क्रिएटिनिज्म की वजह से बच्चे के अंदर है वो है मेंटल जो है रिटार्डेशन, या मेंटल जिसको आप बोल सकते हैं मेंटल स्टंटेड, और फिजिकल ग्रोथ है वो क्या, फिजिकल ग्रोथ अफेक्टेड। तो बच्चे के अंदर इस ग्लैंड की हार्मोन की कमी की वजह, ग्लैंड या तो एब्सेंस है या एट्रोफी है, तो इस दोनों हार्मोन की कमी है। इन दोनों हार्मोन की वजह से या तो मेंटल में डेफिशिएंसी, मेंटल फंक्शन में प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, साथ में फिजिकल ग्रोथ है, दोनों ही इस डिसऑर्डर के अंदर अफेक्टेड होते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एग्जाम के अंदर कि कौन सी डिजीज कंडीशन है थायरॉइड की जिसके अंदर मेंटल स्टंटेड देखने को मिलती है या फिर फिजिकल ग्रोथ है वो कम देखने को मिलती है। तो दोनों ही कंडीशंस
मेंटल स्टंटेड या फिजिकल ग्रोथ। तो या मेंटल आप बोल सकते हो, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पाना, मेंटली रिटार्ड पर्सन वो बच्चा है, मेंटली रिटार्ड पैदा हो सकता है। किस वजह से? थायरॉयड ग्लैंड की एब्सेंस या इन दोनों हार्मोन की वजह से। तो दोनों हार्मोन की अगर बच्चे के अंदर कमी है तो कमी की वजह से उसको डिजीज कंडीशन बोला, क्रिएटिनिज्म, कंजेनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अगर लक्षण की बात करें तो बच्चा मेंटली पुअर होगा, साथ में फिजिकल ग्रोथ है वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी। ये तो हो गई बात बच्चे के अंदर। अब नेक्स्ट अपन बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चे अडल्ट के अंदर है, अडल्टहुड के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म में बच्चों के अंदर है तो उसको क्रिएटिनिज्म बोला। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है इन अडल्ट हुड, हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्टहुड अगर किसी अडल्ट के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट मींस थायरॉयड ग्लैंड है उसका कार्सिनोमा है या उसके अंदर एट्रोफी है, वो प्रॉपर अगर वर्क नहीं कर रही है और एट्रोफी की वजह से काम नहीं करना, इसको बोलते हैं मिक्सोडिज्मा। क्या बोलते हैं? मिक्स एडिमा। तो मिक्स एडिमा क्या है? अडल्ट्स के अंदर थायरॉयड ग्लैंड का प्रॉपर वर्क नहीं करना, जिसकी वजह से T3 और T4 जो हार्मोन है इनका प्रोडक्शन क्या होना, कम होना, डिक्रीज होना। इन दोनों को हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज अडल्टहुड के अंदर, इसको बोलते हैं मिक्स एडिमा। और बच्चों के अंदर अगर डिजीज है कंजेनाइटल तो इसको बोलते हैं क्रिएटिनिज्म। तो कई सारे सवाल है वेरियस जो नर्सिंग एग्जाम्स है, BSI स्टाफ नर्स, ESIC स्टाफ नर्स, BCCL, RML, सफदरजंग, एम्स और वेरियस जो स्टेट लेवल के एग्जाम है, CHO, इन सब NHM, इन सब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिएटिनिज्म क्या है, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, या हाइपोथायरॉयडिज्म क्रिएटिनिज्म कोज बाई T3 T4 हार्मोन का लेवल कम होना, या मिक्स एडी में क्या है अडल्टहुड के अंदर हाइपर जो थायरॉयड ग्लैंड है उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं करना, क्या कहलाता है? मिक्स एडिमा अडल्ट्स के अंदर। और बच्चों के अंदर अगर जन्म से ही प्रॉब्लम है कंजेनेटल जिसको बोला, उसको बोलते हैं कंजेनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ये तो होगी डिजीज के बारे में इंट्रोडक्शन कि है क्या। तो बेसिकली हाइपो का मीन्स क्या है? कमी, और थायरॉयडिज्म का मतलब थायरॉयड हार्मोन कौन कौन से, T3 और T4। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इटियोलॉजी या कोजेज है इसकी, वेरियस कोजेज है, या इसको अपन इटियोलॉजी भी बोलते हैं, इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी दैट मीन्स जो हाइपरथायरॉयडिज्म की इटियोलॉजी क्या हो सकती है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन में वो कमी है। मेन इसमें तीन कारण दिए गए हैं, तीन कारण बताए गए इसमें। फर्स्ट है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, और तीसरा है टर्शरी। तीसरा क्या है? टर्शरी, TIARY आएगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। और टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म को ऑल्सो नॉन एज और इसको और लगा के बोलते हैं सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो एक बार क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है कि सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, तो टर्शरी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसी को क्या बोला जाता है, सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये क्या है, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, प्राइमरी का मतलब इनका कॉज है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी का मतलब कोई अदर ग्लैंड्स, अदर कारण है जिनकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कोज हो रहा है, टर्शरी का मतलब सेंट्रल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है उसमें कोई डिफेक्ट है या सेंट्रल इसका कोज है जिसकी वजह से इसको क्या बोला, सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म या टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर अगर फर्स्ट बात करें तो कंजेनाइटल डिफेक्ट। तो कंजेनाइटल डिफेक्ट का मीन्स या प्राइमरी कारण है, जन्म से ही ग्लैंड है वो नहीं बनी, जन्म से ही ग्लैंड के अंदर एट्रोफी हो गई, वो ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, वेरियस जो फैक्टर है, मैटरनल फैक्टर हो सकते हैं
या ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, उन फैक्टर्स की वजह से जो कंजेनाइटल की वजह से जो हुआ उसको अपन बोला क्रिएटिनिज्म, जैसा कि अपन डेफिनेशन में देखा था। तो एक तो प्राइमरी, ये क्रिएटिनिज्म क्या है, प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म। दूसरी अगर इसके बात करें तो आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी। तो अगर किसी पर्सन के अंदर आयोडीन की अगर कमी है तो आयोडीन की वजह से प्रॉपर इन हार्मोन है T3 और T4 जो हार्मोन है इनका प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होगा, और सिंथेसाइज नहीं होगा तो ये हार्मोन क्या हो कम बनेंगे, और कम बनेंगे तो इसको क्या बोला हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इसके कोज की बात करें, प्राइमरी कोज में एक्सेसिव ड्रग्स, एक्सेसिव एंटी थायरॉयड ड्रग्स, एंटी थायरॉयड मेडिकेशन, एक्सेसिव एंटी थायरॉयड। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल है PTU ड्रग्स, प्रोपाइल थायो यूरेसिल जो ड्रग्स है, प्रोपाइल थायो यूरेसिल। और प्रोपाइल थायो यूरेसिल क्या है, हाइपर थायरॉयडिज्म के अंदर अपन ने पढ़ा था कि ये ड्रग्स है थायरॉयड ग्लैंड के जो हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है उसको ब्लॉक कर रही है, और अगर आपने ज़्यादा दवाई दे दी, ज़्यादा ड्रग्स दे दी, ओवर मेडिकेशन कर दिया, ओवर मेडिकेशन की वजह से थायरॉयड हार्मोन में जो सिंथेसिस है इसको क्या कर देगी, ब्लॉक, और ब्लॉक कर देगी तो इसका हार्मोन का जो लेवल अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और डिक्रीज होने की वजह से क्या कोज हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो एक्सेसिव ड्रग्स अगर आपने दे दी, आयोडीन की कमी है तो भी, या कंजेनिटल डिफेक्ट है, इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं रेडिएशन, रेडिएशन एंड सर्जरी, एंड सर्जरी। रेडिएशन उस कंडीशन में देते हैं जब थायरॉयड ग्लैंड का कोई मैलिग्नेंसी हो, थायरॉयड ग्लैंड का कोई अगर कैंसर जैसी कंडीशन है तो उसमें रेडियोथेरेपी चलती है, आयोडीन 131 की रेडिएशन थेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी की वजह से थायरॉयड ग्लैंड डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोन प्रॉपर नहीं बन पाते, और हार्मोन की कमी हाइपोथायरॉयडिज्म। या सर्जरी की वजह से ग्लैंड को रिमूव कर दिया है तो भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा तो भी क्या होगा, तो इसकी वजह से भी ये है डिजीज वो कोज हो सकती है प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर नेक्स्ट अपन बात करें, प्राइमरी के अंदर ही एक और कोज है जिसको बोलते हैं हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। एक और कारण है हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसी डिजीज है, ऑटो इम्यून ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून इलनेस है। ऑटोइम्यून इलनेस की वजह से थायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑटोमेटिकली, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होकर थायरॉयड ग्लैंड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो थायरॉयड है ग्लैंड वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, और प्रॉपर वर्क, और इस ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, ऑटोइम्यून इलनेस की वजह से जो है डिस्ट्रक्शन हो जाएगी थायरॉयड ग्लैंड, या फाइब्रोसिस बोल सकते हैं, फाइब्रोसिस ऑफ ग्लैंड। और फाइब्रोसिस हो जाएगा तो ग्लैंड है प्रॉपर हार्मोन नहीं बनाएगी, और हार्मोन नहीं बनाने की वजह से ये डिजीज कंडीशन कोज होगी। इस सब को सब क्या बोला, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाशिमोटो डिजीज, ये भी एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाशिमोटो डिजीज क्या है। हाशिमोटो डिजीज एक ऑटोइम्यून इलनेस है जिसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डिस्ट्रक्ट मतलब थायरॉयड ग्लैंड टूट जाती है, या फाइब्रोसिस कोज हो जाता है, और इस फाइब्रोसिस के वजह से ग्लैंड है वो प्रॉपर हार्मोन सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म कोज हो जाता है। ये सारे के सारे अपन ने जो कारण देखे, कंजेनाइटल कारण देखा था, आयोडीन डेफिशिएंसी देखा था, और सर्जरी रेडिएशन देखा था, और हाशिमोटो डिजीज देखी थी, ये सभी क्या है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है माल फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको जैसा कि विदित है आपको पता है कि थायरॉयड ग्लैंड के लिए पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये ग्लैंड क्या काम करवाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। जब हाइपोथैलेमस इन हार्मोन्स की अगर कमी होती है तो हाइपोथैलेमस को मैसेज जाता है, फीडबैक जाता है, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाने की वजह से हाइपोथैलेमस TRH हार्मोन रिलीज करता है,
TRH हार्मोन, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन वर्क करता है पिट्यूटरी पे। और पिट्यूटरी है एक स्पेशल टाइप के हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, वो एक हार्मोन बनाता है TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फिर हार्मोन क्या होता है सिंथेसाइज होता है और हार्मोन का लेवल है वो मेंटेन होता है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयड। सेकेंडरी का मतलब क्या है, थायरॉयड ग्लैंड में ओके है, थायरॉयड ग्लैंड में कोई डिफेक्ट नहीं, लेकिन पिट्यूटरी का माल फंक्शन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, और पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्क नहीं करने की वजह से ये हार्मोन नहीं बनेगा। तो इनडायरेक्टली ग्लैंड की पे किस पे इफेक्ट आ रहा है, थायरॉयड ग्लैंड पे, तो इनडायरेक्टली कोज हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म, और जिसको बोला सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बोला, सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्शरी का मतलब है प्राइमरी भी कोज नहीं है, सेकेंडरी पिट्यूटरी भी कोज नहीं है, सेंट्रल लेवल पे जो कोल है कोज है। सेंट्रल लेवल पे कौन है, हाइपोथैलेमस। कौन है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, फेल टू प्रोड्यूस TRH। हाइपोथैलेमस है वो थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस ये हार्मोन ही नहीं बनाएगा तो ये हार्मोन पिट्यूटरी को कोई मैसेज नहीं देगा, और पिट्यूटरी को मैसेज नहीं देगा तो ये वाला नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो ये वाले भी नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी कोज के अंदर तो जो एक्चुअल कारण है जन्मजात हो सकते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी, रेडिएशन, सर्जरी, इसके अलावा हाशिमोटो डिजीज, इन्फ्लामेशन होना थायरॉयड में, फाइब्रोसिस कोज हो जाना। सेकेंडरी का कारण है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का प्रॉपरली वर्क नहीं करना जिसकी वजह से हार्मोन नहीं में। टर्शरी है सेंट्रल, सेंट्रल इसलिए बोला कि सेंट्रल पार्ट है, मेन कोज है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में कोई डिजीज कंडीशन, ट्रोमेटिक या कोई सर्जरी की वजह से हाइपोथैलेमस में, या कोई ब्रेन ट्यूमर है, या हाइपोथैलेमस का कोई कैंसर है, इसकी वजह से हाइपोथैलेमस में जो थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन है ये नहीं बन पाना, और ये नहीं बनेगा तो पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी TSH नहीं बनाएगी, और TSH नहीं बनाएगी तो थायरॉयड ग्लैंड इन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं करेगी। अपन पढ़ रहे हैं कोजेज, तो तीन प्रकार के कोजेज देखे थे, प्राइमरी कोजेज, सेकेंडरी कोजेज और टर्शरी। प्राइमरी के अंदर जो एक्चुअल है, सेकेंडरी के अंदर पिट्यूटरी से रिलेटेड, और सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म अंदर हाइपोथैलेमस से रिलेटेड। ये हो गए कोजेटिव ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज है तो उस पर्सन के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स है वो अपियर होंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो आएंगे। जैसा कि आपको अभी पता है कि एक तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, इस पर्सन की BMR जो रेट है, बॉडी बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज देखने को मिलेगी, BMR कम मिलेगी। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, किसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या है, CM जिसको बोलते हैं, क्लिनिकल फीचर भी बोलते हैं CF, या आपको इसको साइन और सिम्टम्स भी बोला जा सकता है। तो साइन सिम्टम्स को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को या क्लिनिकल फीचर्स को, एक ही बात है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले देखने को मिलता है इसके अंदर मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा। और मिक्स एडिमा क्या होता है, जनरल पफिनेस ऑफ बॉडी, जनरल पफिनेस एंड एडिमा, जनरल पफिनेस एंड एडिमा, जनरल पफिनेस एंड एडिमा ऑफ स्किन। वो स्किन के अंदर जैसे ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा एयर फिलअप हो रखी हो, दैट मीन्स पूरी बॉडी पे पफिंग, गुब्बारे लाइक जो है वो स्किन हो जाएगी, दैट मीन्स एडिमा, जनरलाइज एडिमा, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा। किस वजह से होगा ये, डिपोजिशन ऑफ म्यूकोसेकेराइड, डिपोजिशन ऑफ म्यूकोसेकेराइड, म्यूकोसेकेराइड्स। और म्यूकोसेकेराइड्स एक प्रकार के क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सेकेराइड्स है, जो कि डिपोजिशन हो जाते हैं, क्योंकि BMR रेट क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, कम, और कम तो वो जो एनर्जी है वो स्टोर कहाँ हो जाएगी, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, और टिश्यूज में एनर्जी जब म्यूकोसेकेराइड्स के रूप में डिपोजिशन हो जाए तो स्किन कैसी हो जाएगी, पफिनेस स्किन हो जाएगी, और वैक्सी अपीरियंस इसके अंदर देखने को मिलेगा, वैक्सी अपीरियंस,
तो ये एक बार सवाल पूछा गया है क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर कि वैक्सी अपीयरेंस सीन इन हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म, दो और ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो वैक्सी अपीयरेंस कहो या पपीनेस कहो या एडिमा ऑल जनरलाइज एडिमा, पूरी स्किन पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी, उस वो क्या है डिजीज? हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या डिजीज है? हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइंस सिम्टम्स की। तो फर्स्ट तो अपन साइंस सिम्टम्स देख लिया, मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा में अपन ने बात की थी जनरल पपीनेस एडिमा देखने को मिलेगा, और साथ में जो पर्सन है उसमें वैक्सी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। सेकंड इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इनटॉलरेंस टू हीट कोल्ड, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, जैसा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा था इनटॉलरेंस टू हीट इंपॉर्टेंट है, ये इसमें क्या है इनटॉलरेंस टू कोल्ड, मतलब कोल्ड के प्रति इनटॉलरेंस ज़्यादा रहेगी, हाइपोथर्मिया कंडीशन उस पेशेंट में देखने को मिलेगी, हाइपोथर्मिया इनटॉलरेंस टू कोल्ड। नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो वेट गेन, वेट गेन, तो इस पर्सन का उसमें देखा था हाइपर में बीएमआर ज़्यादा थी तो वेट लॉस था, इसके अंदर क्या है वेट गेन। साथ में ड्राई स्क्रीन, ड्राई स्किन क्या देखने को मिलेगी पर्सन के अंदर? ड्राई स्किन एंड हेयर, हेयर और स्किन कैसे मिलेगी? ड्राइनेस देखने को मिलेगी, ड्राई स्किन। और नेक्स्ट बात करें साइंस सिम्टम्स की, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट बोल सकते हैं, वीकनेस, वीकनेस फैटिक, फैटिक क्यों रहेगी, ये सभी कारण क्यों? क्योंकि डिक्रीज बीएमआर, डिक्रीज बीएमआर की वजह से पर्सन के अंदर वीकनेस एनोरेक्सिया और फैटिकनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर को प्रॉपरली जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा क्योंकि बीएमआर रेट क्या है बहुत ही कम है, और बीएमआर रेट कम होने की वजह से लॉस ऑफ हेयर, ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर देखा था टेकिकार्डिया, दैट इज हार्ट रेट ज़्यादा थी, इसके अंदर हार्ट रेट क्या है कम है, बिलो 60 बीट पर मिनट, बिलो 60 बीट पर मिनट हार्ट रेट अगर है तो उसको ब्रेडिकार्डिया कंडीशन बोलते हैं। और हाइपोटेंशन दैट मीन्स बीपी है वो भी क्या मिलेगी, ब्लड प्रेशर है वो भी क्या मिलेगा, लॉस। नेक्स्ट बात करें उसके अंदर डायरिया था, इसके अंदर डायरिया का अपोजिस्ट क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्योंकि जीआई जो है डिक्रीज हो जाएंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस, डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस की वजह से उस पेशेंट के अंदर कब्ज की शिकायत दैट मीन्स कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, इस पर्सन की मेमोरी भी क्या मिलेगी, लॉस, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर की बात करें लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो होता है सेक्सुअल फंक्शन, मेल और फीमेल दोनों के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल फंक्शन में भी क्या आएगी, कमी। और इरेगुलर मेंसेस फीमेल अगर है तो उसके अंदर इरेगुलर मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस का मतलब फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो इरेगुलर देखने को मिलेंगे, दैट मीन्स कभी साइकिल 28 डेज का, कभी साइकिल 31, कभी साइकिल 20, दैट मीन्स साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसी पीरियड्स जिसको बोला जाता है वो क्या मिलेंगे, इरेगुलर। किस कंडीशन में? हाइपोथायरॉयडिज्म की डिजीज कंडीशन में। और इस डिजीज के अंदर इट मे बी, इट मे बी इसके अंदर CHF कंजेनिटल सॉरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन भी इसके अंदर देखने को मिल सकती है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन क्यों है कि इसकी इस पर्सन के अंदर हार्ट रेट क्या है, डाउन है, बिलो है 60, दैट मीन्स ब्रेडिकार्डिया है, साथ में हाइपोटेंशन है, इसकी वजह से जो हार्ट की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से हार्ट में कंजेनिटल जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंडीशन है वो भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे के सारे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स। तो सिम्टम्स की एक बार मैं फास्ट रिवीजन वापस करूं, मिक्स एडिमा को अपन ने बोला जनरलाइज वीकनेस, जनरलाइज पफिनेस,
या वैक्सी अपीयरेंस इसको बोला। सेकंड अपन ने बात करी इनटॉलरेंस टू कोल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स के लिए कि इनटॉलरेंस टू कोल्ड सीन इन हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयड, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर टॉलरेंस इनटॉलरेंस टू कोल्ड, कोल्ड के प्रति इनटॉलरेंस देखने को मिलेगी, वेट इसके अंदर गेन मिलेगा और वेट गेन का ताल्लुकात इससे है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन ऑफ म्यूकोसेविकराइट, और डिपोजिशन की वजह से पर्सन के अंदर पपी अपीयरेंस एडिमा है तो वेट गेन भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ड्राई स्किन और हेयर का, एनोरेक्सिया नोजिया वीकनेस और फैटिगनेस, बीमार की कमी की वजह से बीमार कम है, लॉस ऑफ हेयर, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ मेमोरी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और इट में बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये सारे के सारे फीचर्स किसके अंदर देखने को मिलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यह अब लक्षण का अगर लेके कोई भी इनमें से सिम्टम्स लेके अगर कोई पर्सन ये जो कि इनमें से कोई हिस्ट्री में है और वो अगर डॉक्टर के पास जाता है मुझे ये दिक्कत है इनमें से कोई भी सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स भी होते हैं, कोई एक भी हो सकता है, कोई दो भी कोज हो सकता है, तो इन सब मल्टीपल फीचर्स को लेकर अगर कोई पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करवाएगा, डायग्नोसिस, और डायग्नोसिस के लिए क्या करवाएगा, जांच, और जांच में क्या करवाएगा, एक तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं डायग्नोसिस के बारे में, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं जब क्वेश्चन सेशन होगा अपना हाइपो और हाइपर दोनों थायरॉयडिज्म का डिसऑर्डर का, तब आप देखोगे कि वेरियस एग्जाम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें से पूछा गया है। क्रिएटिनिज्म पे चार एग्जाम्स में अलग अलग टाइप्स पे सवाल पूछा हुआ है, साथ में हीट टॉलरेंस पे पूछा हुआ है, कई बार इसका दूसरा नाम पूछा हुआ है अडल्ट के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है, इन्वेस्टिगेट करना डिजीज को, और डिजीज को इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाएगा, इस पर्सन के अंदर अगर डिक्रीज T4 एंड T3 लेवल है तो क्या इंडिकेट करेगा पर्सन को हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज है, वो कोज हो गई है। साथ में जैसा कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इंक्रीज TSH लेवल, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल, उस डिजीज के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर ये कम देखा था, लेकिन इसमें क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन है वो कम बन रहा है, T3 T4 कम बन रहा है, कम बन रहा है तो ग्लैंड है वो अपना ये जो TSH है पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रिय हो रहा है, तो पिट्यूटरी ये ज़्यादा बना रही है कि ज़्यादा स्टिमुलेट दे रही है, बनाओ हार्मोन बनाओ, तो दैट मीन्स का लेवल ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर कैसा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। साथ में पर्सन्स के अंदर इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मिलेगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड लेवल इन ब्लड, इन लिपिड लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर पेशेंट में जो हाइपर लिपिडीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपर लिपिडीमिया कंडीशन भी देखने को मिलेगी। और साथ में डायग्नोसिस में एक डायग्नोसिस स्टडी होती है रेडियोलॉजिकल स्टडी, और रेडियोलॉजिकल स्टडी में देखने को ये आएगा कि डिक्रीज रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 अपटेक। तो इस रेडियोलॉजिकल स्टडी के अंदर जो आयोडीन का अपटेक है वो क्या मिलेगा, कम आयोडीन का यूटिलाइजेशन कम मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि हार्मोन सिंथेसाइज क्या हो रहे हैं कम, तो आयोडीन का यूज भी क्या मिलेगा कम, तो दैट मीन्स उस आयोडीन को है मेटाबोलाइज प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसके अंदर आयोडीन का अपटेक कम होगा तो हार्मोन भी सिंथेसाइज क्या होंगे कम। तो ये सारे के सारे क्या है, डायग्नोसिस टेस्ट में एक तो होता है बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सेकंड होता है T3 का T4 का लेवल कम, TSH का लेवल ज़्यादा, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी पर्सन के अंदर इंक्रीज TSH लेवल है तो उस पर्सन के अंदर कौन सी डिजीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपर, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये बढ़ा कब, हार्मोन को बढ़ाने के लिए T3 T4 इसको बढ़ाने, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका क्या हो रहा है कम, तो इसके अपोजिट है डिक्रीज, ये तो आपको पता ही है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इसका लेवल कम तो TSH का लेवल ज़्यादा, इसका अपोजिट, उसके अंदर इसका लेवल ज़्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म में इसका लेवल ज़्यादा तो इसका लेवल कम, हाइपो के अंदर इसका लेवल कम तो इसका लेवल ज़्यादा, तो ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है।
इनसे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपका डायग्नोसिस है वो क्लियर है। डायग्नोसिस के बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट। अब डिजीज डायग्नोस हो गई तो नेक्स्ट क्या होता है? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट किस प्रकार से, अगर किसी पर्सन के अंदर थायराइड जो हार्मोन है उसकी कमी है, तो कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? या तो ऐसी ड्रग्स दे दी जाए जो कि थायराइड ग्लैंड को क्या करे, स्टिमुलेट करे, या थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके हार्मोन बनवाए, या हार्मोन नहीं बना पा रही है ग्लैंड, तो कुछ ड्रग्स सब्स्टिट्यूट है जो कि हार्मोनल, उस हार्मोन कंटेंट वो T3 T4 का जो कंटेंट है उस कंटेंट की मेडिसिन है डायरेक्टली आप एडमिनिस्टर कर दो। तो डायरेक्टली आप हार्मोन रेडीमेड हार्मोन दे दो, तो रेडीमेड हार्मोन देने से ये डिजीज कंडीशन इसको करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है थायरॉयड हार्मोन प्रिपरेशन ड्रग्स। तो एडमिनिस्टर थायराइड हार्मोन प्रिपरेशन मेडिकेशन तो ये जो थायराइड हार्मोन की जो मेडिकेशन है इनके द्वारा प्रिपेयर की हुई वो ड्रग्स है वो क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो सब लोग जानते हैं लिवोथायरोक्सिन नाम की जो मेडिसिन है उसमें क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं और ये ड्रग्स है पर्सन को देते हैं जनरली मॉर्निंग टाइम में। मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब ड्रग है, मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब ड्रग। मोस्ट कॉमनली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमनली प्रेस्क्राइब जो है थायराइड मेडिकेशन कौन सी है, लिवोथायरोक्सिन। इसका दूसरा एग्जांपल है लियोथायरोनाइन। तो दोनों ड्रग्स है, इन दोनों ड्रग्स के अंदर क्या होता है, T3 और T4 जो हार्मोन है ये दोनों इस ड्रग्स से मेडअप होती है, हार्मोन प्रिपरेशन ड्रग्स है। इन दोनों ड्रग्स को देंगे या कोई भी एक ड्रग देंगे तो ड्रग देने के बाद इन हार्मोन का लेवल है वो बॉडी के अंदर मेंटेन हो जाएगा, और मेंटेन हो जाएगा तो पर्सन के अंदर है वो जो डिजीज कंडीशन वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सन को कुछ एडवाइस भी देते हैं मैनेजमेंट के अंदर। एडवाइस क्या देंगे, उस पर्सन को लो कैलोरी डाइट लेना है, लो कैलोरी डाइट, क्योंकि उसकी BMR ऑलरेडी क्या है, कम, और BMR कम है, उसको ज़्यादा कैलोरी वाले दोगे तो और उसका मोटापन है, वेट गेन है और ज़्यादा होगा। तो लो कैलोरी डाइट उसको देंगे ताकि उसके बॉडी में जो डिपॉजिटेड है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का यूटिलाइजेशन होगा, जिससे वेट गेन को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, लो कैलोरी डाइट। साथ में पर्सन में कोलेस्ट्रॉल डाइट क्या है, ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल डाइट क्या लेनी, ये भी लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लेनी है, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जांच के अंदर क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। साथ में नेक्स्ट जो डाइटरी एजुकेशन है, लो लिपिड डाइट, पर्सन को तेलीय चीज़ें घी वगैरह है या जिसके अंदर लिपिड्स ज़्यादा है उनको क्या करना है, कम लेने के लिए बोना है, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें क्या करती है, वेट गेन करवाती है, मोटापा बढ़ाती है, लेकिन पर्सन के अंदर ऑलरेडी मोटापा है तो एडवाइस क्या देनी है, डाइटरी इंस्ट्रक्शन के अंदर पर्सन को लो कैलोरी डाइट लेनी है, लो कोलेस्ट्रॉल और लो लिपिड लेवल है वो देना है। साथ में और नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है, प्रोवाइड हाई आयोडीन डाइट। तो पर्सन को आयोडीन युक्त नमक लेना है ताकि गोइटर कोज ने हो, आयोडीन की कमी से आपको पता है सिंपल गोइटर कोज हो रहा है, तो पर्सन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हार्मोन ने प्रॉपर सिंथेसाइज नहीं होंगे, कमी को क्या बोला, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाई आयोडीन डाइट, साथ में पर्सन को हाई फाइबर डाइट भी देनी है। हाई फाइबर डाइट क्यों देनी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का उसको कंप्लेन है, हाई फाइबर डाइट, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा हाई फाइबर डाइट। तो मैनेजमेंट है वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है, सिम्टम्स पर्सन में कॉन्स्टिपेशन है तो हाई फाइबर डाइट दे दो, पर्सन के अंदर आयोडीन की कमी है आयोडीन डाइट दे दो, ये ज़्यादा है तो इनको कम दे दो,
तो दैट मीन्स जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स और डायग्नोसिस के आधार पे मैनेजमेंट होता है। साथ में पर्सन को फ्लूड डाइट देनी है, हाई फ्लूड देना है, फ्लूड ज़्यादा देना है, ताकि फ्लूड की वजह से पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव हो जाए। और नेक्स्ट जो इंटरवेंशन होता है, पर्सन को वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट जो इंटरवेंशन क्या है, प्रोवाइड वार्म एंड कूल काम एनवायरनमेंट, प्रोवाइड वार्म, क्योंकि हीट टॉलरेंस इस पर्सन के अंदर है, तो वार्म एनवायरनमेंट है पर्सन को वो देना है, ताकि उसको शिवरिंग ना हो, उसकी एनर्जी है वो और ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बीएमआर क्या है, कम। बीएमआर ज़्यादा होगी तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बीएमआर कम तो हीट प्रोड्यूस कम तो पर्सन को ठंड है ज़्यादा लगेगी। दैट मीन्स पर्सन को वार्म एनवायरनमेंट आपको देना है। ये भी अपन ने पढ़ लिया था सिम्टम्स के अंदर, हीट टॉलरेंस, कोल्ड टॉलरेंस है तो कोल्ड के अंदर अपन वार्म एनवायरनमेंट पेशेंट को दे देंगे। साथ में जो पेशेंट में मेडिकेशन चल रही है, मेडिकेशन, और मेडिकेशन में कुछ सावधानी आपको रखनी, क्वेश्चन, और क्वेश्चन का मतलब क्या है, सावधानी, सावधानी के दैट मीन्स एमआई का कोई पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, तो उनमें मेडिकेशन है वो एक लिमिटेड डोज और ध्यान रखते हुए देना है, या कोई पर्सन डायबिटिक मेलाइटिस का है, या क्रोनिक रीनल फेलियर का है, CRF, इन पर्सन के अंदर जो मेडिकेशन है उसको सावधानी से देना है, पर्टिकुलर टाइम मिस नहीं करना है, डोज भी प्रॉपरली देना है, जितनी डोज प्रेस्क्राइब है एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल डोज उसको देनी है। ज़्यादातर थायराइड मेडिकेशन है वो ओरली मॉर्निंग में दी जाती है, तो ये भी क्वेश्चन कम्पिटिटिव व्यू में कई बार पूछा गया है कि थायराइड मेडिकेशन चल रही है तो कब एडमिनिस्टर करोगे, जनरली एवरी मॉर्निंग दी जाती है, हर मॉर्निंग फिक्स, ताकि उसका जो लेवल है वो प्रॉपरली बॉडी में मेंटेन हो, 24 घंटे का जो लेवल है वो 24 आवर्स का जो है, जो बॉडी का जो हार्मोन लेवल है वो मेंटेनेंस प्रॉपरली हो। तो ये हो गया थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसकी बात करें कमी की वजह से, और कमी अगर इसको पर्सन को है तो ज़्यादा ही कमी है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको पर्सन में अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है, मिक्स एडिमा कोमा कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। और ये क्या है, एक अक्यूट कंडीशन है जिसके अंदर बहुत ही वेरी लो प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, बहुत ही कम, ज़्यादा T3 T4 का कम प्रोडक्शन होने की वजह से पर्सन है वो मिक्स एडिमा कोमा में जा सकता है। कोमा में जाने के बाद फर्दर पर्सन को डेथ कॉज हो सकती है। तो आज अपन ने जो डिजीज पढ़ी हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर इस चैनल पे आने वाली क्लास का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। साथ ही हमारी आजकल लाइव क्लासेज भी चल रही है, 11 बजे अंशुमान सर ले रहे हैं, तो लाइव क्लासेज का आप लुत्फ़ उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोरोना के काल है, कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक डिजीज चल रही, तो पेंडेमिक डिजीज कंडीशन में क्लासेज जो है, क्लासरूम क्लासेज पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे। हमारा चैनल नर्सिंग अरेना को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके नर्सिंग फ्रेंड्स हैं उनको भी इस क्लास का फ़ायदा ज़रूर मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज कंडीशन है वो समझ में आ गई होगी। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।